वेल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो लेकर इंडिया बोले गुड मॉर्निंग। और इंडिया बोले गुड मॉर्निंग में हम आपको दिखाते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके काम की होंगी। हेलो, मैं आप सभी का दोस्त सागर मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई सुबह में एक नई उम्मीद के साथ। गुड मॉर्निंग इंडिया। बिल्कुल गुड मॉर्निंग इंडिया लेकर, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देते हैं बहुत सारी जानकारी और साथ ही आपको हम एंटरटेनमेंट से भी पीछे नहीं रखते और साथ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेल, स्पोर्ट्स से मुझे याद आया कि आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है और ऐसे में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, और ऐसे में ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसको पहले इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था और आज के समय में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी वजह से ये डे मनाया जाता है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था अंशिका कि जिस तरह से खेल को हमारे भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि हम देखें कि बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे देश से निकलें जो अन्य देशों में जाकर नाम रोशन करें। हमने झारखंड का जिक्र किया, हमने हरियाणा में देखा, हमने हिमाचल में देखा, ऐसे जगहों से खिलाड़ी निकल रहे हैं जिन्हें पता भी नहीं था कि हाँ मैं इतनी दूर तक मैं जा सकता हूँ। तो सरकार की कई सारी नीतियां हैं और उनकी मेहनत, जुनून, लगन सब कुछ हम देख सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे। चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, आगे भी हम करेंगे और बताएंगे कि आखिर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे को क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है टीवी हेडलाइंस क्या है, तो चलिए एक नजर डालेंगे टीवी हेडलाइंस पर। हैदराबाद में आज से बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बैठक में वंशवाद मुक्त राजनीति का होगा मुख्य फोकस। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र सोमवार से होगा आरंभ। कल स्पीकर का चुनाव, आज से नामांकन प्रक्रिया, 4 जुलाई को शिंदे सरकार करेगी फ्लू टेस्ट का सामना। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। गौस रियाज समेत कुल 4 मुख्य आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फास्ट ट्रैक फैसला आएगा। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज बंद का ऐलान। हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश में आक्रोश, कई सामाजिक संगठन और व्यापारियों का अलवर बंद का आह्वान। कई शहरों में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, कोर्ट की टिप्पणी वापस लेने की मांग। नुपुर शर्मा के समर्थन में सीजेआई को पत्र, उदयपुर घटना के लिए नुपुर को ठहराया था जिम्मेदार। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़, धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। जगह जगह यात्रा का स्वागत, भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा। वेल, देखिए, क्योंकि बात तो हो गई टीवी हेडलाइंस की, लेकिन आज 2 जुलाई है सागर, और 2 जुलाई को कुछ ना कुछ खास तो होता ही है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, हम लोग के लिए बहुत खास दिन है स्पेशली, क्योंकि देखिए जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को रखना ध्यान में और उसको बताना दर्शकों को, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें ये दिन अगर मनाया जाता है तो इसके पीछे कई सारी वजह है। शुरुआत इसकी हुई थी सन 1994 में, पेरिस स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वें वर्षगांठ पर पहली बार वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया था। इसके पीछे एसोसिएशन का खास मकसद स्पोर्ट्स की गतिविधियों की बढ़ती कवरेज को बढ़ावा देना था ताकि स्पोर्ट्स की खबरें आम लोगों तक पहुंचे और खेल को बढ़ावा मिले। तो देखिए स्पोर्ट्स डे क्यों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, बार बार मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स डे आ रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट है स्पोर्ट्स डे। मैं स्कूल के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स डे में एक्टिव रहती थी और बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ होते थे स्पोर्ट्स डे के दिन मेरे, जिनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। और अब क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी मनाया जा रहा है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि खेल इंसान को हमेशा खेलता रहना चाहिए, वो उम्र नहीं देखता क्योंकि उससे हमारा व्यायाम भी होता रहता है। जो लोग खेलते हैं देखिए उनका फिजिक्स कितना अच्छा होता है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे शो को लेकर बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि हम हमारे शो के एंड में हमारे ऑडियंस को बताते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो ज़रूर हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो हम आपको अपने शो के आखिरी में, जैसे कि हमेशा ही बताते हैं, कि आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। मैसेज और मेल अब आने भी लगे हैं, हमने उनमें से कुछ मेल को सेलेक्ट किया है। और पटना से सुनीता सिन्हा क्या लिखती है, सागर बताइए। उन्होंने लिखा कि आप में योग और फिटनेस के साथ ही साथ सुबह सुबह हेल्दी और जल्दी नाश्ता दिखाकर हम जैसों को खुश कर दिया। वहीं भोपाल से आशुतोष शुक्ला लिखते हैं कि इंडिया बोले गुड मॉर्निंग, वो लगातार देखते हैं शो में, खबर काम की, वाकई में बहुत काम की है। तो देखिए खबर काम की का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम की वाकई में होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपने डेली शेड्यूल में कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं और चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, और 1 जुलाई से कई सारी चीज़ों में बदलाव हुए हैं, तो ऐसे में हमारे जो खबर काम की है वो वाकई में काम की है। बिल्कुल, क्योंकि ये खबरें क्या है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। लोग अगर जान जाते हैं तो फिर उस पर अमल भी करते हैं। जैसे हमने कल सैलरी को लेकर बात की, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां हो या सरकारी कंपनियां हो, 4 दिन काम 3 दिन छुट्टियां, कई लोग खुश भी हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि हाँ लेकिन वर्किंग आवर तो हमारे बढ़ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ वो क्या है चलिए ये भी ऑडियंस को हम बताते हैं। आज हमारे शो में बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को उड़ाया है। ये उड़ान कर्नाटक के चित्रकूट स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। ये उड़ान भविष्य में मानव रहित विमान यानी UAV के विकास की दिशा में अहम कदम है। देश की रक्षा को लेकर ये बड़ी गुड न्यूज है, और चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली न्यूज है। इस उपलब्धि के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को ढेर सारी बधाई दी है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। जानकारी के मुताबिक साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप पर लोगों के सामने आ सकता है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। बहरहाल शो में आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई गुड न्यूज की, क्योंकि गुड न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे देश से जब कोई बात हो और हमारे देश की ताकत से जुड़ी कोई बात हो तो फिर हम कैसे नहीं बताएंगे। जिस तरह से तकनीक की दिशा में हमने अपने कदम आगे बढ़ाए, चाहे हम देखिए हम हथियारों की बात करें या फिर हम अपने सेना की और भी ज्यादा मजबूत होने की बात करें, भारत सरकार उस दिशा में वाकई में बहुत देखिए कदम बढ़ाई है, और वो सराहनीय भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि आखिर गुड न्यूज क्या है, लेकिन खबर जब तक काम की ना हो तब तक मजा कैसे आए, इसलिए चलिए अब बात करेंगे खबर काम की। हम अपने शो में लेकर आए वैसी खबरें जो आपके लिए बड़े काम की चीज है। सरकार के अहम संस्थान यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में नौकरी पाने का अब शानदार मौका आया है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स और साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके युवा कुल 630 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, इनके तहत साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट इंजीनियर बी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov.in पर लिंक एक्टिवेट होने के 21 दिन बाद तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई DRDO की, लेकिन एक और खबर है जो आपके काम की है। युवाओं के लिए क्लर्क बनने का शानदार मौका आया है। बिल्कुल, IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश भर के सरकारी बैंकों में क्लर्क के पदों को भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 जुलाई से 6,035 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 21 जुलाई तक चलेगी। IBPS क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। तो देखिए ये तो बात हो गई कि आखिर जो युवा नौकरी करना चाहते हैं, खासतौर पर क्लर्क बनना चाहते हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज है। इसके साथ ही BSNL से जुड़ी एक और अच्छी खबर, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। BSNL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार BSNL की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये भर्तियां 1 साल के लिए की जा रही हैं। उम्मीदवार BSNL भर्ती 2022 के लिए 19 जुलाई 2022 तक आवेदन भी कर सकते हैं।
तो ये बहुत सारी ऐसी खबरें हैं सागर जो इनके लिए काम की हैं, उन लोगों के लिए काम की हैं जो लोग बहुत सारी नौकरियां के तलाश में हैं। क्योंकि देखिए बहुत ऐसा होता है कि आफ्टर 12th लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, लेकिन बहुत सारे लोग बैंकिंग लाइन में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोटे मोटे बुक्स खरीद लेते हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें कब एप्लीकेशन करना है। क्या होता है कि 12वीं पास करने के बाद छात्र भीड़ की तरफ जाते हैं, जैसे भीड़ अगर उस समय बहुत ज्यादा बीटेक कर रही है तो बीटेक करते चले जाते हैं। मैंने भी वही किया था। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं कि वो बस अलग ना हो कि नहीं नहीं उसने ऐसा लिया तो हम भी यही। कई लोग तो पापा मम्मी के कहने पे जबरदस्ती इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लास्ट में पत्रकार बन जाते हैं। लगता है आप भी इसी लाइन से जुड़े। सही कहा, पहले इंजीनियरिंग का सोचा था क्या? मैंने बीटेक किया, फिर उसके बाद लगा कि पत्रकारिता मैं आपसे बेहतर कर लूंगा। ओ, लेकिन ऐसा हो ना सका सागर। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि बात तो बहुत हो गई, खबर काम की हो गई, लेकिन अब बात करेंगे हेल्दी इंडिया के बारे में, क्योंकि हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं हेल्दी इंडिया की। तो देखिए हेल्दी इंडिया में हम आपको बताते हैं कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। एक्सटर्नली तो आप बहुत कुछ करते हैं, इंटरनली आपको क्या करना चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने से लेकर आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके फिटनेस के लिए, और ऐसे में आज क्या एक्सरसाइज हम दिखाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, नाश्ता हो तो ऐसा जो कि हेल्दी हो और जल्दी बने, यकीन मानिए हर किसी को यही चाहत होती है। और इसी को लेकर लगातार देखिए हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं, हमने शो में बहुत कुछ दिखाया अंशिका। बिल्कुल, अब फटाफट कैसे आप नाश्ता बना सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी डाइट जिसे कहते हैं वो आप कैसे करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। दही के कबाब 10 मिनट में तवे पर बनाए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, वो भी बहुत ही कम तेल में। कम समय में एक ऐसा यम्मी नाश्ता जिसे खाने को आपका रोज दिल ललचाएगा। ये स्वादिष्ट और चटपटा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले दही को रात को कपड़े में बांध कर लटका दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। एक बड़े बाउल में दही, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ब्रेड क्रम्स डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लें। वह ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा। जैसे हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से इसकी टिक्की बना ले और हाथों में थोड़ा सा घी भी लगा ले। अब तवे को गैस पर रख कर तेल लगा कर ग्रीस कर ले और इस पर सभी दही की टिक्कियों को रख दे। अगर आप थोड़ा और तेल डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और तेल डाल दें। अगर आप ना भी डालें तो भी ये सिक जाते हैं। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है और फिर इसे पलट दें। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसमें जो हैंग कर दही का टेस्ट आता है, इसमें आपको चटनी या सॉस की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना चटनी के भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दही का इस तरह इसमें यूज होने से दही का इसमें बहुत ज्यादा खट्टापन नहीं आता और इस स्नैक्स को बहुत देर तक रख कर भी खाया जा सकता है। ये एक हेल्दी रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। देखिए दही के जो आइटम्स होते हैं ना मोस्टली वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सागर, आपको दही का कोई ऐसा आइटम जो बहुत पसंद हो? लेकिन दर्शकों को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि दही रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, सुबह उठकर नहीं खाना चाहिए, दोपहर में हम खाएं तो बहुत ज्यादा देखिए फायदेमंद है। और दही से मतलब कि बहुत सारे आइटम मैं खुद बना लेता हूँ, जैसे कि दही की सब्जियाँ, दही के चीले, फिर उसके बाद दही को भटूरे में भी मिलाकर आप बनाइए तो बहुत टेस्टी बनता है।
वो सॉफ्ट और फ्लफी रहते हैं ना। बिल्कुल, वो आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, एक ही दिन में आप सारा सीखना चाहती हैं। नहीं, धीरे धीरे हम अपने ऑडियंस को भी सिखाएंगे कि वो क्या कुछ बना सकते हैं दही के प्रोडक्ट से, क्योंकि दही हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है, लेकिन उसकी भी टाइमिंग होती है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सही टाइम पे सही चीजों का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी और आप हेल्दी महसूस करेंगे। बात हेल्दी इंडिया की तो हो गई, लेकिन ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस कितना हेल्दी है, यानी कि बिजनेस कितना वेल्दी है। तो वेल, अब बात करेंगे बिजनेस की कि आखिर वेल्दी इंडिया में क्या कुछ है खास। तो चलिए इसी के साथ बिजनेस की खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। टोयोटा की नई एसयूवी टोयोटा अर्बन से अब पर्दा उठ चुका है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड अब बढ़ने लगी है, लेकिन टोयोटा का फोकस हाइब्रिड कारों पर है। कंपनी की ये कार भी एक हाइब्रिड एसयूवी है कि जो कि 40% पेट्रोल कम पीती है, जबरदस्त ये माइलेज भी देती है। भारतीय सर्राफा बाजार ने सोने चांदी के दाम जारी कर दिए हैं। सोने की कीमतों में बढ़त देखी गई है, तो वहीं चांदी की कीमत में कमी आई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 51,849 रुपए में बिक रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी के रेट्स कम होकर 58,400 रुपए में पहुंच गए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 जुलाई से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए। दिल्ली में 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 198 रुपए घट गए। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। OnePlus भारतीय बाजार में OnePlus Nord 2 T5G लॉन्च करने जा रहा है। नया OnePlus स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 5G से कुछ अपग्रेड होकर आया है, जो कि बीते साल लॉन्च हुआ था। इसमें ग्रे शैडो और ZA फॉग कलर ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। जून में जीएसटी कलेक्शन करीब 1,44,000 करोड़ रुपए रहा। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन करीब 1,67,000 करोड़ था। पिछले साल जून के महीने के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 56% का उछाल आया। वेल, ये तो बात हो गई बिजनेस की कि आखिर बिजनेस में क्या चीजें हो रही हैं खास। और मेरे को ना सागर, बिजनेस में सबसे ज्यादा पसंद आता है वो सेगमेंट जब हम बात करते हैं फोन्स की, और साथ ही कुछ ऐसी नई गाड़ियां जो आती हैं और उसके फीचर्स अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए, मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो गाड़ी खरीदने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कम बजट में सारे फीचर्स वाली गाड़ी हमें मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए, अगर हम बात करेंगे अगर तुम्हें हीरो की, तो आपने देखा होगा कि सपने तो उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख वाला होने से क्या होगा, पंख में उड़ान भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए अब हम बात करेंगे तुम में है हीरो की। तो तुम में है हीरो में हम बात करते हैं एक ऐसे हीरो की जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और साथ ही उनकी जो स्टोरी होती है वो हमें इंस्पायर कर देने वाली होती है। बिहार के मुंगेर के एक दिव्यांग ने वो कर दिखाया जो शायद लोग सोच भी ना पाए। बिल्कुल, दोनों हाथ कट जाने के बाद भी नंदलाल ने पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ा। पैरों से लिखकर बीए की परीक्षा उन्होंने दी। क्या है स्टोरी इनकी, चलिए आपको दिखाते हैं। नंदलाल की कहानी हौसले और हिम्मत की नई इबारत है। आज हर कोई नंदलाल के जज्बे को सलाम कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नंदलाल के हाथ नहीं है, लेकिन वे पैरों के सहारे ही RS कॉलेज तारापुर में BA पार्ट 1 की परीक्षा दे रहा है। नंदलाल के मुताबिक 2006 में बिजली के करंट लगने से उसके दोनों हाथ कट गए, लेकिन ना तो हौसला टूटा और ना ही सपने टूटे। घर वालों ने हिम्मत बढ़ाई और वह पैरों से ही लिखने की प्रैक्टिस करने लगा। नतीजा सामने है। बिजली का तार 2006 में हुआ,
अभी आप पैरों से लिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है उसमें कोई? आपको बता दें कि नंदलाल कुमार मेहनत और मेधा की मिसाल है। नंदलाल ने 2019 में इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा और 2017 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। तब तत्कालीन एसडीओ संजीव कुमार ने 1,00,000 रुपए की मदद राशि दी थी। नंदलाल का कहना है उसका लक्ष्य आईएएस बनने का है, पर पहले परिवार को आर्थिक दुश्वारियों से बाहर निकालना है। 2017 में मैट्रिक जब फर्स्ट में किए थे तो वहाँ के एसडीओ साहब संदीप कुमार सिंह थे, तो हमें 1,00,000 रुपये दिए थे इंटर के लिए। और हमारा सपना है कि हम एक आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे फैमिली के मतलब सही से मतलब ये नहीं इनकम जो है कि जो हम वो नहीं कर पा सकते। यकीन मानिए, नंदलाल की ये तस्वीर जब से मीडिया में आई है वायरल हो गई है। हर कोई नंदलाल के हौसलों की दाद दे रहा है और नंदलाल ने पैरों के सहारे नया इतिहास रचने की ठानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ऐसे अंशिका, अच्छा सदाचार, अच्छे विचार, ये सब इंसान को महान बनाता है। और मुझे लगता है जिसके अच्छे विचार हो वो अंदर से ही मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव महसूस करता है। और जब हम घर से निकलते हैं सागर, स्पेशली या जब हम अपने घर पे भी रहते हैं या सोने के पहले भी जब हम रात को सो रहे होते हैं, उस वक्त भी अगर हम कुछ अच्छा सोच कर सोते हैं तो हमारे सपने भी अच्छे आते हैं। बिल्कुल, कई बार आप बुरे आप कुछ सोच कर आप सोइए तो सपने में वही बुरी बुरी चीजें आती हैं। एक अच्छा विचार हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब आप विपरीत परिस्थितियों का जब आप सामना करती हैं, आप अच्छे विचार आप देखिए और मोटिवेशनल चीजों को आप देखिए, तो मुझे लगता है कि इंसान जो टूट रहा होता है उस समय खुद को संभालने की ताकत भी उसमें आ जाती है। और आप देखते हैं कि आजकल के रील्स में भी जब हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो सबसे पहले तो लोग नाचते गाते थे, वीडियोस डालते थे और बहुत सारे गानों के वीडियोस लोग बनाते थे डांस करते हुए। आजकल लोग मोटिवेशनल थॉट्स डालते हैं, मतलब कि लोगों के हौसलों को बढ़ा दिया रील्स ने भी। यही बात है, क्योंकि व्यूज आने लगे ना ज्यादा। और विचार इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है और विचार को इसलिए पसंद भी किया जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। धर्म कर्तव्य का दूसरा नाम है। हम अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को पूरे निष्ठा से निभाएं तो हम सच्चे धार्मिक हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ये चीज लिखा है और सोचिए उनके विचार कितने अच्छे हैं। आप धर्म अगर कहते हैं मंदिर जाना, पूजा करना, तो ये अलग है, ये आस्था है, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन असली धर्म वही है जब आप कोई भी चीज सच्चे मन से करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, किसी भी कार्य को आप पूरे मन से जब करते हैं तो वही असली धर्म है। और जैसे कि हम अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो यही हमारे लिए धर्म है। लगन, मेहनत, जिज्ञासा, जुनून, प्रतिभा, ये सब कुछ माने रखती हैं अंशिका, क्योंकि क्या है कि जब लगन और जुनून नहीं होगा तो फिर भला उस काम में सफलता कैसे। और एक थॉट आपको याद है, इंग्लिश में इसके लिए है भी बना हुआ, वर्क इज वर्कशिप। बिल्कुल, कर्तव्य ही यानी कि काम ही हमारी पूजा है। हाँ। जो अपने काम को बेहतर करता है जिंदगी में जरूर वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं कह भी रही थी कि विचार आजकल रील्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं चीजें। और वायरल चीजें आजकल लोग एडिक्ट हो गए हैं वायरल चीज़। मैं खुद अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना फोन देख रही हूँ और मुझे कोई वायरल चीज दिख गई तो मैं रोक नहीं पाती अपने आप को और लगातार देखने लगती हूँ। कोई ऐसा वीडियो जो आपने देखा हो? देखिए, अभी जैसे कि घूमने फिरने के लिए मैंने आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा है ये सैर कर दुनिया की गाफिल, वरना ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रहेगी तो जवानी है फिर कहाँ। तो ये तो घूमने फिरने की, लेकिन मोटिवेशनल चीजें, मोटिवेशनल शायरियां कई सारी मुझको याद है। चलिए कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ और हमारी ऑडियंस को भी दिखाती हूँ। हमारे वायरल कैफे में कुछ टॉप 5 वायरल वीडियोस हैं जिसे देख कर आप अपने आप को हंसते हुए रोक नहीं पाएंगे। वायरल वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट पर इन दिनों आईटीबीपी के 2 जवानों का वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। इसमें वो
अफरीन अफरीन गाने पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवानों के इस सुरमई अंदाज को देखकर हर कोई कायल हो गया। वहीं लोगों ने इस वीडियो पर काफी अच्छे कमेंट भी दिए हैं और देश के जवानों को दिल से सलाम भी किया है। खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स 12 लोगों के ऊपर से कितनी आसानी से जंप लगा लेता है। लोग इस वीडियो को अलग अलग कैप्शन देकर शेयर कर रहे हैं। इन दिनों फिर से एक पपी और खरगोश की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा सा पपी उछल उछल कर खरगोश की नकल उतारने में लगा हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ ही जाएगी। सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इंटरनेट पर उर्फी के हॉट लुक्स काफी वायरल हो रहे हैं। वही भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा भी इन दिनों आयरलैंड में ही है, जहां उन्होंने डबलिन में डांस करते हुए एक रील बनाया जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अंशिका डांस तो देखकर मजा आ गया, लेकिन क्या है कि दर्शक जो है सुबह सुबह हमारे इतने अच्छे अच्छे सेगमेंट्स होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, चाय पानी लोग नाश्ता तक भूल जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सागर, इसलिए अब ज्यादा देर मत करिए क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जाएंगे, तो आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन से वापस आएंगे हम। तो इसीलिए आप अपने शेकर्स चाय सब साथ में रख लीजिए। अगर आप पॉपकॉर्न लेना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में रख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। चलिए आपने कॉफी भी पी लिया ही होगा और साथ ही आप चाय भी अब पी रहे होंगे, लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का विचार क्या है और आज का खास दिन क्या है, लेकिन एंटरटेनमेंट की बात जब तक ना हो तब तक मजा कैसा है। और अभी सागर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, एंटरटेनमेंट की बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग ये सोचते हैं कि वीकेंड पर क्या देखने जाएं, मूवीज क्योंकि बहुत सारी आती हैं और ऐसे में अगर दिन फ्राइडे का हो, बहुत सारी मूवीज रिलीज होती है और सैटरडे संडे का दिन प्लान करते हैं लोग कि अच्छा ये मूवी देखने जाएंगे, और जो पुरानी मूवीज रिलीज हुई हैं स्पेशली उनके रिव्यूज आने के बाद भी लोग प्लान बनाते हैं अगले हफ्ते की अगर अच्छी होगी तो ही जाएंगे। और इसी का फायदा देखिए सिनेमा हॉल वाले भी उठाते हैं, सैटरडे और संडे की टिकट बहुत महंगी होती है लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ बहुत देखी जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में देखिए इंटरेस्टिंग तो तब हो जाता है मूवी देखना जब अच्छी मूवी हो, एंटरटेनिंग हो और फैमिली के साथ जाएं तो और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। एक्शन भी हो, लव भी हो, सारी चीजें हो, मतलब कि पूरा मिक्सअप। जैसे कि हाल में एक मूवी हमने देखी थी मरजामा, आपने देखा है? नहीं, मैंने देखा। ठीक है फिर कोशिश करिएगा देखने की, अच्छी मूवी है। ओके चलिए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट OMG की, क्या है टॉप 10 खबरें एंटरटेनमेंट की। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अब हो रहा है विरोध। अनुपम खेर ने भी इस पर ट्वीट किया और लिखा है कि सेम। बॉलीवुड के गीतकार मनोज मुंशीर ने नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति, उन्होंने भी ट्वीट कर जताया विरोध। फिल्म जुग जुग जियो ने पहले हफ्ते 53 करोड़ का किया कलेक्शन, फिल्म की कमाई में देखी जा रही गिरावट। आर्यन खान ने कोर्ट से अपील की, ड्रग्स मामले में राहत के बाद शाहरुख के बेटे ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। देश भर में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी का एक नया पोस्टर किया गया रिलीज। करण जौहर के मशहूर टॉक शो में साउथ के 2 स्टार्स ने आने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक RRR स्टार्स रामचरण तेजा और जूनियर NTR ने आने से इनकार किया। अभिनेता माधवन तनुवैद मनु के तीसरे पार्ट में नहीं करना चाहते काम, कहा इंस्टॉलमेंट में काम करना नहीं है पसंद। सत्तर के दशक की ट्रेंड सेंटर अभिनेत्री जीनत अपान अपनी बोल्ड इमेज से काफी खुश हैं। कहा कि मैंने खुद की तरह के रोल्स किए जिन्हें करने में दूसरी अभिनेत्रियां हिचकिचाती थी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने राजनीति ज्वाइन करने पर बयान दिया। कहा राजनीति में जाने के फैसले पर कई सवाल उठाए गए और मुझे बेवकूफ भी समझा गया। फिल्म पुष्पा की अपार सफलता के बाद अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में मिली। अमिताभ बच्चन की फिल्म गुडबाय में स्क्रीन शेयर करने जा रही। वैसे अंशिका एक विलन मूवी तो आपने देखी होगी, एक विलन मूवी में आपने देखा था किस तरह से बेहतरीन लव स्टोरी, उसकी एक्शन मारधाड़ जो आजकल के लोग पसंद करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा वो पिक्चर चली भी थी और स्टोरी भी उसकी कमाल की थी। बिल्कुल, उसका एक गाना है बंजारा, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे हमदर्द भी बहुत पसंद है। पल दो पल
कि क्यों है जिंदगी, ये सुना होगा आपने, बहुत बेहतरीन ये गाना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब विलन लौट रहा है। एक विलन की सुपर सक्सेस के बाद इसके सीक्वल का धमाकेदार आगाज हो चुका है। एक विलन रिटर्न्स 29 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके पहले आपको ट्रीट देने के लिए मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया। क्या कुछ खास है ट्रेलर में और क्या कुछ कहा गया फिल्म के अंदर, फिल्म के स्टार कास्ट ने क्या कहा, देखिए आप। You know, working with Mohit again is really, really special. Right. He's a fantastic filmmaker. Mm-hmm. I think sometimes being a hero is boring, so it's good to play something different. Ooh, I would say मेरे बाप दिल से बहुत अमीर है और मैं जितना बिगड़ना चाहूँ मेरी परवरिश मुझे बिगड़ने नहीं देगी, लेकिन it's always fun to play what you're not. Right. And I would like to believe मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं जितना मोहित ने मुझे कास्ट किया है। बट खैर, सम कैरेक्टर सूट यू, सम विजुअल्स कनेक्ट। व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म, व्हेन आई हर्ड दिस आइडिया एंड आई वर्क्ड विद मोहित बिफोर, आई हैड फुल फेथ कि हीरो तो प्ले कर चुका हूँ और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में अगर घुसने का मौका मिलेगा तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए विच स्टैंड आउट, एंड टू प्ले अ स्पॉइल्ड ब्रैट और अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट एज यू कॉल्ड इट। शायद मेरी शक्ल पे देयर इज इनफ रईसियत, इनफ हरामीपन, आई डोंट नो, बट आई रियली एंजॉय डूइंग इट एंड फॉर मी आई एम्ब्रेस डिफरेंट रोल्स, सो फॉर मी इट वाज अ चैलेंज। एंड अगर आपको ये लग रहा है यानी कि द कैरेक्टर्स वर्क, अगर 2 मिनट में आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो आई एम एक्चुअली प्लेइंग अ रॉक स्टार इन दिस वन। सॉरी, yeah. You'll obviously see more in the film, but it was amazing to do this with Mohit and the music team. There's so much that we have that lies ahead of you guys. So yes, a rock star and a singer, but more a rock star. I mean, it's the first time I'm playing a negative character, and I think it was a lot of fun. I think I can do a lot more with that, and it's such a pleasure standing with everyone here on stage. And I just hope you guys enjoy the movie. Please do watch it. तो देखिए, सागर एंटरटेनमेंट की बात तो हो गई, लेकिन आज क्योंकि 2 जुलाई है और 2 जुलाई को बहुत से लोगों का बर्थडे भी होगा, तो उनके लिए सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, आपका दिन बहुत अच्छा हो। लेकिन 2 जुलाई की कोई याद आपकी है ऐसी, सागर? 2 जुलाई ये मार्कशीट में मेरा जन्मदिन है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये असली वाला नहीं है, मार्कशीट में आपने, आपको पता होगा, उम्र बढ़ाने के लिए घटाने के लिए नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ है सागर। हो सकता है कि आपका स्कूल थोड़ा अलग रहा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इतिहास की अगर हम बात करें 2 जुलाई की, देखिए हर दिन इतिहास बनाने के लिए होता है, हर दिन इतिहास बनते भी हैं, और इतिहास बनते भी हैं तो टूटने के लिए, लेकिन कई ऐसे इतिहास हैं जो हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं और उसको तोड़ना, उसको फिर उसके बाद उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुराने जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास बनाकर चले गए, कई ऐसे योद्धा, कई ऐसे हमारे प्रेरणादायक लोग, उन्हीं के बारे में तुम बात करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे आखिर क्या कुछ है और 2 जुलाई क्यों है खास। '1306 अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा पर आक्रमण किया। 1757 बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की मोहम्मद बेग ने निर्ममतापूर्ण हत्या की। 1781 मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ। 1862 कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। 1897 इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया। 1940 ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया। 1948 हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ। 1949 वियतनाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। 1950 स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ।
1972 पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2001 फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की पहली फिल्म रिलीज हुई। 2002 हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया। 2004 यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा सागर, ये है हिस्ट्री ऑफ द डे कि हमारे इतिहास में क्या कुछ हुआ था खास। लेकिन जब तक खेलकूद की बात ना हो, क्योंकि आज तो दिन ही है खेलकूद का, और साथ ही जर्नलिस्ट जो कि हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उनका दिन है आज, तो सबसे पहले तो उनको हैप्पी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। देखिए, उनका बहुत अहम योगदान रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उन खिलाड़ियों ने वो प्रतिभा जाकर दिखाया अन्य देशों में और अपनी काबिलियत दिखाई, और इसीलिए आज भारत का जो है, देखिए, मान सम्मान पद कितना ऊंचा होते जा रहा है अन्य देशों के भी देखिए तुलना में। आप ठीक कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का जिक्र हो रहा है तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और बात करते हैं लेट्स प्ले की, स्पोर्ट्स की बड़ी खबरें क्या है। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इसमें टीम इंडिया टॉस हारकर पहले कर रही है बैटिंग। टीम इंडिया ने बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाए। भारत की तरफ से जडेजा और पंत ने खेली शानदार पारी। भारत और इंग्लैंड के बीच एडबेस्टिन में टेस्ट मैच जारी है। ऋषभ पंत ने अपनी शतकीय पारी के दौरान जेम्स एंडरसन की बॉल पर ऐसा शॉट खेला कि गेंदबाज रह गए हैरान। एडबेस्टिन में खेले जा रहे पांचवें रीशेड्यूल टेस्ट में विराट कोहली 11 रन बनाकर हुए आउट। उन्हें युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स ने बनाया अपना शिकार। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने विराट कोहली को दी सलाह, बताया कैसे फॉर्म में आना है वापस। टीम इंडिया के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा बर्मिंघम टेस्ट में 13 रन बनाकर हुए आउट। जेम्स एंडरसन ने किया आउट। इंग्लैंड की पिच पर रहा खराब प्रदर्शन। इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी मोइन अली ने की पूर्व कप्तान एम एस धोनी और एआर मॉर्गन की तारीफ। दोनों खिलाड़ियों के बीच बहुत बताई काफी समानता है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में हार कर हुई बाहर। 3 गेम के कड़े मुकाबले में उन्हें चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने दी मात। WWE हॉल ऑफ फेमर एडीजी का बड़ा बयान आया, कहा गया कि जॉन सीना ने मुझे बहुत बड़ा विलन बना दिया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का फीवर WWE के रिंग में भी पहुंचा। भारतीय पहलवान सांगा ने एक मैच के दौरान अल्लू अर्जुन की उतारी नकल। पहले तो बात हो गई खेलकूद की, लेकिन कई सारे ऐसे मैचेस हैं सागर जो वेदर पर निर्भर करते हैं। मैच तभी होता है जब वेदर अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, पिच सही हो, तो मजा आता है देखने में भी मैच, और लोग खेलते भी अच्छे तरीके से हैं। लेकिन यहाँ पर तो बात हम पूरे भारत की क्यों ना कर लें। जिस तरह से बदलाव मानसून ने दस्तक दी, कई जगहों पर बारिश, आप तो बारिश में रील भी बना रही है, जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी और उसके बाद खुशनुमा ये मौसम हुआ, और आने वाले एक हफ्ते तक ऐसे ही रहने वाला है, रील की भंडार लगने वाली है आपके पास। रील लवर्स है ना, उनके लिए मौसम बहुत मैटर करता है, चाहे बहुत ज्यादा धूप हो या स्प्रिंग सीजन टाइप मौसम बन जाए या रेनी सीजन हो या रात में हल्की हल्की हवा जो चलती है और हल्के से स्ट्रीट लाइट्स के जो इफेक्ट होते हैं, ये रील लवर्स के लिए स्पेशली, मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ, मेरे लिए भी, हमें अच्छा वो मिल जाता है, फ्रेम मिल जाता है
रील्स बनाने में। बिल्कुल, क्योंकि इफेक्ट लगाने की ज्यादा आपको देखिए जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आसमान इतना घना और बढ़िया होता है। और अब भगवान इतने मेहरबान है, मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर कैसा मौसम है दिल्ली NCR के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं वेदर फोरकास्ट की, कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कहता है। वेल, वेदर की तो बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए ऐसे मौसम में तो फिर मजा ही आ जाए। लेकिन सागर, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, आपका फेवरेट आइलैंड कौन सा है? अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज्यादा जगहों पर गया नहीं, लेकिन मैं हाल ही में जिस तरह से बताया आपको रोहतांग गया, मैं नेपाल भी घूमा हूँ। अगर आपको किसी आइलैंड में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे? जो बेहतर और लगेगा कि हाँ यहाँ पर कम पैसे में काम भी हो रहा है, क्योंकि बजट भी तो देखना है। तो इसीलिए हम लेकर आते हैं हमारे ऑडियंस के लिए कि उनका जेब पर भी ज्यादा असर ना हो और वो अच्छी जगह घूम फिर भी ले, क्योंकि हिल स्टेशन तो हमने बहुत सारे दिखाए, हमने दुबई के भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस दिखाए थे हमारे ऑडियंस को जहाँ वो घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन अब हम उनको एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ उनके जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो अच्छी जगह घूम लेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड की। तो अराउंड द वर्ल्ड में हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां आप आसानी से जा सकते हैं और आसानी से आप खर्च भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आप घूम फिर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं और लेकर चलते हैं अंडमान निकोबार, यानी कि खूबसूरत द्वीप समूह वाला एक टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पर कैसे लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर घूमते हैं। बिल्कुल, अंडमान निकोबार, और जब वहां जाएं तो कहां कहां घूमें, ये सबसे बड़ी बात है और इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी पर बसा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार दुनिया की सबसे खूबसूरत समूह द्वीपों में से एक है। ये द्वीप मुख्यतः सफेद रेत से घिरे बीच और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अंडमान निकोबार घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, जिसमें भारतीय मूल के पर्यटकों की संख्या भी बहुत होती है। इस आइलैंड पर कई सारे द्वीप हैं जहां पर्यटक जाना चाहते हैं। अंडमान निकोबार आते समय आपको यहाँ की कुछ सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपना सफर यादगार बना सके। हैवलॉक द्वीप। अंडमान निकोबार का हैवलॉक द्वीप बहुत ही मनमोहक और आकर्षक पर्यटन स्थल है। चारों तरफ से वनों ने इस द्वीप को घेरा है। इन वनों की हरियाली देखते ही बनती है। ये हरियाली रोमांटिक एहसास जगाती है। राधा नगर बीच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल ये द्वीप दुनिया के सबसे बेहतरीन द्वीपों में से एक है, जिसे पर्यटक काफी पसंद करते हैं। यहाँ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बस नीला पानी आप देख पाएंगे, जिसे गहरे हरे रंग के वन ने समेट रखा है। बैरन द्वीप। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यही है। जाहिर है यह स्थान लोगों के बसने के लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ अनोखे पशुओं की प्रजातियां हैं जो देखने में मन में रोमांचक भाव जगाते हैं। विजयनगर बीच। फोटोग्राफी का शौक रखने वाले टूरिस्ट यहाँ खूब आना चाहते हैं। सूरज जब अपनी किरण इस पूरी जगह पर बिखेरता है तो माहौल रंगीन हो जाता है, मानो कोई रंगीन फूल खिला हो। पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्षेत्र है। यहां से बाकी शहरों के लिए आसानी से जाया जा सकता है। ये कई एक्टिविटी का केंद्र है। चिड़िया टापू।
जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये एक ऐसा जगह है जहां आपको ढेर सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। स्थानीय पक्षियों के साथ साथ कुछ अनदेखे प्रवासी पक्षियों की झलक भी आपको देखने को मिल सकती है। सेल्यूलर जेल, काला पानी शब्द से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। ये अंडमान निकोबार का ऐतिहासिक महत्व का हिस्सा है। ये एक 3 मंजिला इमारत है जिनमें 698 कारावास हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक कारनामों की झलकियां और बेहतरीन लाइट और साउंड शो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। वास्तव में ये 572 द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह पर आने का सबसे उचित समय सर्दियों का महीना है। सबसे ज्यादा संख्या में पर्यटक इसी मौसम में यहाँ आते हैं। इस वक्त यहाँ क्रिसमस और नए साल के जश्न की भव्यता देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वेल, अराउंड द वर्ल्ड की बात तो हमने कर ली, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं सागर जिनको शांति चाहिए होती है, और शांति के लिए हम उन्हें लेकर चलते हैं डिवोशनल रागा में। तो डिवोशनल रागा में आज हम आपको लेकर चलते हैं माँ कामाख्या मंदिर। जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ की मान्यता और क्यों दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है कामाख्या मंदिर। माँ कामाख्या मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, तांत्रिकों की उपासना का केंद्र है माँ कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या देवी शक्तिपीठ का अपना इतिहास है। भक्ति और श्रद्धा से भरपूर ये जगह दुनिया भर में विख्यात है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है जिन स्थानों पर माता सती के अंग गिरे थे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। भारत में ऐसे तमाम शक्तिपीठ है जहां माता सती को पूजा जाता है। इन शक्तिपीठों के दर्शन के विशेष मान्यता है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच किया गया था। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। वीआईपी प्रवेश की एक टिकट का शुल्क लगता है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देखिए, जमाना ही सोशल मीडिया का, ऐसे में अगर आपको हमारा शो अगर पसंद आया, आपको कुछ बेहतरीन लगा, या अगर आपके कुछ ऐसे बेहतरीन तस्वीरें वीडियो और आप अगर भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। देखिए कहाँ भेज सकते हैं। बिल्कुल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर आप जरूर हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है, और साथ ही हमारा शो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है ये भी आप बता सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। वेल, घड़ी की सुई अब ये बता रही है कि हमारे दर्शकों को अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि और भी ऐसी खबरें हैं और उनके अपडेट्स हैं जो हमारी ऑडियंस को बताना जरूरी है। लेकिन हम एक बार फिर मिलेंगे मंडे को, और क्योंकि सैटरडे को भी अब हमारा शो बढ़ गया है और सैटरडे को भी अब हम दिखाने लगे हैं हमारी ऑडियंस को। कल संडे, दर्शकों को आराम भी हम करने देते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि अब हम आपको वापस मिलेंगे और दिखाएंगे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें जो आपके लिए काम की हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन
तब तक आप अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल, एक स्माइल के साथ करिए अपने दिन की शुरुआत। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।